गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, खाया था, पिया था, लड़ाई की थी, धक्का मारा था। एक बार दोबारा सुन लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, खाया था, पिया था, लड़ाई की थी और धक्का मारा था। थोड़ा मजाक मजाक में सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इस टेंस में क्या होता है, हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का यूज किया था, बस इतना सा फर्क है कि वहां पर हैज़ की जगह अब आप हैड को ले रहे हैं। नेगेटिव रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप उसमें थर्ड प्लेस पर नॉट लगा दिया करें। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्या वाले वाक्य है, नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब क्या और नहीं वाले वाक्य है। तो इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस लेते हैं हम, वह पत्र लिख चुका है। वह हमारा सब्जेक्ट है, लिखना हमारी वर्ब है और पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, दूसरे नंबर पे हैड, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना ही हैड रिटर्न अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें थर्ड प्लेस पर नॉट लगाना है। ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर यानी कि वह पत्र नहीं लिख चुका था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम, क्या वह पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर, तो क्या आने की वजह से हमारा हैड जो है वाक्य के शुरू में आ गया। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था कि राम, सीता, ही, शी, दिस, दैट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है हमारा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, खाया था, पिया था, लड़ाई की थी और धक्का मारा था। इसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। अगर नेगेटिव बनाते तो वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव बना सकते हैं तो जैसे कि क्या वह पत्र लिख चुका था, तो हैड ही रिटन अ लेटर, और क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। आई थिंक आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से जानने के लिए आप एक बार प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।